अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये 12 मरले का घर है 42x65 डायमेंशन के साथ, ट्यूलिप ब्लॉक, सेक्टर सी, बैरियर टाउन, लाहौर में। ये इसका फ्रंट एलिवेशन है, नाइट व्यू, साइड कॉर्नर, ये फ्रंट व्यू है इसका कंप्लीट। ट्वेंटी टू फीट का इसका गेट है, स्ट्रेट दो गाड़ियां पार्क होती हैं इसमें। ये इसका गैराज एरिया है, साइड पे साइड वॉल पे इसमें प्लांटेशन की गई है। फ्रंट में स्टोन वर्क और साथ में सीएनसी डिज़ाइन में एक जाली लगी हुई है। ये इसका मेन डोर है, लेफ्ट साइड पे एक और सीएनसी में जाली है इसकी, जो कि ड्राइंग रूम की विंडो के साथ है, और एक्सट्रीम लेफ्ट पे एक सिटिंग एरिया है इसका। ये इसकी मेन लॉबी एरिया है, डबल हाइट में ये हाउस बना हुआ है। इसी डबल हाइट सीलिंग और फानूस आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगा हुआ है और काफ़ी ह्यूज साइज में है। ये इसकी स्टेयर्स हैं जो कि रॉट आयरन में बनी हुई है स्टेयरकेस। कंप्लीट लॉबी व्यू इसका, सामने प्लांटर्स रखे हुए हैं। एंटर होते साथ ही सामने इन्होंने एक एक्वेरियम भी दिया है। इसका ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम के साथ ही एक डाइनिंग रूम के लिए स्पेस है इसमें। ड्राइंग रूम और डाइनिंग के दरमियान एक फायरप्लेस भी दी गई है गोल्डन कलर में। आगे इसका टीवी लाउंज है, इसकी मीडिया वॉल है, शैंडलियर, फैंस भी इंक्लूडेड हैं, सुई गैस इंस्टॉल्ड है घर में, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। लेफ्ट साइड पे इसका किचन है, किचन में तमाम एसेसरीज इंस्टॉल्ड हैं, डबल डोर फ्रिज, माइक्रोवेव, बेकिंग ओवन, बर्नर, हॉब। सामने इसका सिंक एरिया, साइड काउंटर भी दिया हुआ है और साथ में इसके एक डर्टी किचन भी दिया गया साइड पे। डर्टी किचन के साथ ही इसके आउटर डोर है, उसमें एक जाली वाला डोर भी साथ एक्स्ट्रा दिया गया है ताकि आप इसको ओपन रख सकें इसके सॉलिड डोर को। येलो पाइन में इसके सारे डोर्स बने हुए हैं, सॉलिड वुड वर्क है सारा। ग्राउंड फ्लोर पे दो बेड हैं इसमें, बेडरूम के साथ ही इसका मेन वॉशरूम है नीचे जो मास्टर बेड के साथ है। इसमें जिगुजी भी दी गई है, शावर के लिए जगह भी है, साथ में कंसील कमोड लगा हुआ है और ये इसकी अपर काउंटर वैनिटी है। ये इसके डोर डिज़ाइन है, सॉलिड येलो पाइन में है कंप्लीट। ये सेकंड बेड है इसका, इसका वॉशरूम है, सेम अपर काउंटर वैनिटी इसमें इंस्टॉल की गई है।
शावर पैनल और कमोड एरिया। कंसील्ड इसमें अलमारियां दी गई हैं जिसका मेन लॉबी एरिया है। यहाँ से हम इस ऊपर जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, सामने इसका पाउडर रूम है, सिंक एरिया और कमोड दिया गया है। ग्रेनाइट स्टेयर्स कंप्लीट, इसके ऊपर की लैंडिंग एरिया, इसका ये मेन शैंडलियर के व्यू, इसकी टॉप सीलिंग, इसका मेन बेडरूम है, फर्स्ट बेड जो कि एलिवेशन वाली साइड पे आता है, इसमें साइड टेरेस भी इसके साथ एक दिया गया है, ये देख सकते हैं आप। ये अपर काउंटर वैनिटी है इसकी भी, साथ ही इसका कंसील कमोड लगा हुआ है और सामने इसके शॉवर भी है। ये इसका टीवी लाउंज है फर्स्ट फ्लोर पे, सामने इसकी मीडिया वॉल दी गई है, साथ ही इसके किचन है, बड़ा हैंडी किचन दिया हुआ है। किचन के साथ ही टेरेस पे जाने के लिए रास्ता है यहां से। टीवी लॉन्च के साथ ही इसका स्टोर भी दिया हुआ है। ये इसका सेकंड बेड है फर्स्ट फ्लोर पे, साथ ही इसका वॉशरूम बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। ये भी 3D डिजाइन में टोटल वॉशरूम है सारे। थर्ड बेड फर्स्ट फ्लोर, इसका अटैच बाथ, शॉवर एरिया को साथ अलग किया हुआ पार्टीशन से। इसमें सर्वेंट रूम दिया गया है, पीछे से स्पाइरल स्टेयर्स हैं जो कि आप गली से आप जा सकते हैं और सर्वेंट रूम ऊपर बना हुआ है इसका। घर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, ए प्लस कंस्ट्रक्शन में है। इसकी डिमांड 3,40,00,000 है, 34 मिलियन, और ये फाइनल जो है अराउंड 31 मिलियन जो है ना, इंशाल्लाह हम इसको सेल करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मज़ीद आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।